तो देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे दो बार आ चुका मैं आज, मगर पता नहीं क्या किस्मत में लिखा है। हाँ तो दोस्तों, आ गया मैं इधर, देखो क्या होता है। तो दोस्तों, मार्केट में आ गया हूँ मैं और पता कर रहा हूँ मैं मोबाइलों का दुकान में कौन सा सिम लेना सही रहेगा। तो देखो दोस्तों, ये है अपना खाना, ये 12 रियल का, बाकी 2.5 रियल का वो 14-14.5 रियल का अपना खाना हो गया। 89,920 इतना बना है, देख रहे हो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोग Part 1, Part 2, Part 3 में देख रहे हो कि मैं कैसे सिम के लिए इधर से उधर भटक रहा हूँ, मैं ये है Part 4। Part 3 मैंने वहाँ पे एंड किया था, दोपहर में मैं गया था ग्रैंड मॉल और फिर जरीर में गया था, वो वहाँ पे बंद था, सलाम का जो काउंटर है वो बंद था। तो काउंटर बंद था तो मैं रूम पे आ गया था खाना खाकर अपना, वहीं पे मैंने वीडियो को एंड किया था। मैंने बोला था कि यहीं से अपना कंटिन्यू करूँगा Part 4। शाम को मैं जाऊँगा फिर से जरीर में ग्रैंड मॉल में, क्या मुझे सिम मिलता है या नहीं मिलता है आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों, शाम के 4 बज रहा है, असर तो हो गया है, वो अपना खुल गया होगा जो जरीर में है, जो ग्रैंड मॉल में है, मगर बात यही है कि सऊदी में यही शाम से पूरा बिजनेस शुरू होता है। जब दुकानें खुलती है तो शाम से ही मैडम लोग भी बाहर निकलती है, लोग यही टाइम होता है मैडम का घूमने का, तो यही डर रहता है इस टाइम पे कहीं इधर उधर जाए तो मैडम फोन कर दे तो फिर भागते हुए आना पड़ेगा। तो उसी की वजह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मैडम का कोई फ़ोन आए तो मैं उसको उधर छोड़ के उधर ही से उधर ही चला जाऊँ, उसी का इंतज़ार हो रहा है। बाकी तो हालत ख़राब है ही, बिना इंटरनेट का घर पे भी बात नहीं हो पा रहा है, वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रहा है, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कौन सा जंगल में आ गए हैं हम लोग। यहाँ सऊदी में यही एक सहारा है मन बहलाने का, नहीं तो आप लोग देखते हो एक अकेले रूम में क्या कर सकते हैं बिना मोबाइल का। और दोस्तों, आज अपने रूम पार्टनर को एक और नया बहाना मिल गया ये AC बंद करवाने का। मैं आया था तो पूछ रहा तुम AC सुबह में कितने बजे बंद करते हो, मैं बोला 9 बजे बंद करता हूँ, बोल रहा है कि जल्दी बंद कर दिया करो नहीं तो मकान मालिक देखेगा तो किराया बढ़ा देगा, वो बिजली बिल की वजह से किराया बढ़ा रहा है। तो मतलब मैं ही इधर हूँ जो कि AC चला रहा हूँ तो किराया बढ़ रहा है, बाकी और लोग इधर जो कपड़े धोते हैं AC चलाते हैं उनके वजह से नहीं। मैंने भी बोल दिया आज उसको कि मैं कमरा खाली कर दूंगा भाई, मुझे नहीं रहना इधर, एक तो किराया दो, ऊपर से इसका गिर-गिर सुनो, उसका गिर-गिर सुनो, सबका सुनो, मतलब ऐसा रह रहा हूँ कि जैसे लोग मुझे यहाँ पे फ्री में रख रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, 5:50 हो रहा है और मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, ड्यूटी अभी कोई आया नहीं है, तो अब मैं जा रहा हूँ वो सिम के लिए जरीर में, देखते हैं रिक्स लेते हैं, अगर फ़ोन वगैरह आएगा तो बोल दूँगा कि मोबाइल ख़राब है तो बनवाने आया हूँ, बाकि मैं निकल रहा हूँ। वही यही वाला सिम मुझे चेंज करवाना है तो इसीलिए मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ये आधा घंटा बाद ओपन होगा तो आधा घंटे में कहीं फ़ोन लगाएंगे लोग, बंद बताएगा तो नाराज़ हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, आ गया मैं इधर, देखो क्या होता है। तो दोस्तों, अपना किस्मत ही ख़राब है, बोलता है कि आज नहीं आया है ये आदमी, कल आओ, तो पता नहीं अब किधर जाऊँ मैं। तो देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे दो बार आ चुका मैं आज, मगर पता नहीं क्या किस्मत में लिखा है, क्या करूँ मैं आज, सिम लूँ कि नहीं लूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो दोस्तों, 6:28 हो रहा है, आ गया मैं फिर से ये ग्रैंड मॉल में, यहाँ पे जाके देखता हूँ यहाँ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूँगा। तो दोस्तों, इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरा, मैडम तो थी लोग, मगर ये है कि ये आप ये फ़ोटो देख लो इसमें क्या ऑफर है, वो लोग ये बोल रहे हैं कि 85 रियल का है तो, मगर वो ऐप से बुक करना पड़ेगा और नया सिम मिलेगा, पोर्ट नहीं होगा, और वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए ऑफर है, 3 महीने 85-85 में चलेगा, उसके बाद 171 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, और बाकी ऐसे पोर्ट करवाओगे तो अभी 150 रियाल का तुमको सिम लेना पड़ेगा, अभी यही ऑफर है, या फिर 40 GB चाहिए तो 74 रियाल का। तो इतना दिन भर से मैं परेशान रहा, 50 बार इधर दौड़ा मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, अब चलो रूम पे चलता हूँ मैं, लगता है वही चलाना पड़ेगा अपना फिर से,
देखता हूँ आज रात तक इंतज़ार करता हूँ, नहीं तो फिर कोई और सिम लेना पड़ेगा। वो अनलिमिटेड में सारे कंपनियों में एक ही ऑफर है 150 रियाल वाला, कोई भी कम में नहीं दे रहा है। 150 रियाल का ही सब में अनलिमिटेड सोशल मीडिया मिल रहा है, लेबारा मोबाइली और सलाम। दोस्तों 7 बज गया, कुछ नहीं हो पाया। तो दोस्तों 7:30 हो रहा है, 7:26 हो रहा है, और आज के बस इतने ही मेहनत में हार मान गया, बाकी का कल देखा जाएगा। थोड़ा और सोच लेता हूँ मैं क्या करना है कैसे करना है, फिर कल देखूँगा कोई दूसरा सिम, सलाम का छोड़ के कोई दूसरा सिम, रेड बुल वगैरह और कोई। हाँ तो दोस्तों कल पेट्रोल डलवाया था मैं, 1 पॉइंट ख़त्म करके मैं आ गया अपने रूम पे, 10 रियाल का पेट्रोल डलवा दूंगा। बेचारे अपने कपिल का घाटा नहीं करवाना है, देख रहे हो 7:30 लौट के आया मैं अपने इधर रूम की तरफ, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। सुबह से ही मैं परेशान हूँ, पता नहीं किसका शक्ल देख के मैं उठा था। तो दोस्तों 7:55 हो रहा है, पता नहीं कपिल का क्या काम आ गया, अभी कपिल ने बुलाया है तो अभी मैं जा रहा हूँ। अच्छा हुआ कि मैं रूम पे आ गया था, मार्केट में गया होता तो फिर वहाँ से भाग के आना पड़ता। तो दोस्तों कपिल बुलाया था, नौकरानी का पैसा भेजना था तो वही पैसा देने के लिए, तो अभी तो बैंक बंद हो चुका होगा, तो वही कल सुबह तो जाना ही है 11 बजे सिम लेने, तो दोनों काम हो जाएगा, सिम का भी और बैंक का भी। अभी नया नौकरानी आई है श्रीलंका का, इंडोनेशिया वाली चली गई, अब श्रीलंका वाली आई है, तो अब श्रीलंका पैसा भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों नई नौकरानी का नाम है पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं सलाह। तो पुष्पा नाम है नई नौकरानी का, जिसका कल पैसा भेजना है। The next day. तो दोस्तों आज मैं जल्दी उठ के 9:30 उठ के ही मैं अपना तैयार वार हो गया मुँह धो के, कि फोन आएगा तो मैडम को छोड़ के सीधे मार्केट में जाऊंगा, अपना सिम लेना है, सिम लेना ही पड़ेगा। 2-3 दिन हो गया, 2-3 दिन से बहुत ही परेशान हूँ मैं, सबका फोन आ रहा है, सब लोग मैसेज कर रहे हैं कि फोन कर घर से भी, और वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा यूट्यूब का। तो अभी फोन आया कपिल का, बड़े वाले लड़के का, कि आज हॉस्पिटल में नहीं जाना है, आज ड्यूटी नहीं है। तो मैं जिस दिन इंतजार करता हूँ ना, तो वो ऐसा ही होता है। अब चलो फिर, अब क्या कर सकते हैं, मैडम नहीं जाने वाली है हॉस्पिटल, तो अब मैं जा रहा हूँ, खुद ही जा रहा हूँ मैं मार्केट में, मार्केट से सिम लूँगा और पैसे भेज दूंगा वो नौकरानी का, बाकी खाना भी उधर ही खा लूँगा, और रात को बनाने के लिए कुछ लेके आऊँगा उधर से। तो चलो चलते हैं मार्केट में। हाँ तो दोस्तों 10:27 हो रहा है और मैं निकल चुका हूँ मार्केट में जाने के लिए। अब देखो क्या होता है, मार्केट में जा तो रहा हूँ मैं, अब देखो कौन सा सिम मिलता है, कितना का सिम मिलता है। मुझे तो अनलिमिटेड वाला ही चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हो मेरा कितना काम रहता है यूट्यूब पे इधर उधर, बाकी ये 10 GB 20 GB वाला मुझे चलने वाला है नहीं। आप लोग ये फोटो देख सकते हो, 20 GB मिल रहा है, वो यूट्यूब जो चलेगा वो 20 GB में ही चलेगा, बाकी जो 20 GB और एक्स्ट्रा मिल रहा है 40 GB, वो 40 GB किसी काम का नहीं है, वो 20 GB इसलिए मिल रहा है, वो गूगल वगैरह मैप वगैरह चलाने के लिए, वो उसके लिए 20 GB है, बाकी यूट्यूब सोशल मीडिया के लिए तो 20 GB मिल रहा है। और मैं एक वीडियो 2 GB का अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो 10 वीडियो ही अपलोड करूँगा तो वो 20 GB खत्म हो जाएगा, बाकी इधर इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक ये सब देखने का मिलेगा ही नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है तो 150 रियाल खर्च करना ही पड़ेगा। देखो कितना खर्च होता है यहाँ पे, खाने से ज़्यादा तो मोबाइल में जाता है पैसा। हाँ तो दोस्तों आ गया मैं इधर बैंक में, देखो ये रहा बैंक, और पैसे भेजने हैं श्रीलंका में, देख रहे हो मैं कहाँ कहाँ पैसा भेजता रहता हूँ, इंडोनेशिया श्रीलंका। हाँ तो दोस्तों पैसे मैंने भेज दिए है, देख रहे हो, और श्रीलंका इधर से मैंने भेजा 1125 रियाल, और श्रीलंका में बना है 89,920, इतना बना है देख रहे हो। तो दोस्तों गाड़ी यहीं पे खड़ा रहने देता हूँ मैं, और चलता हूँ वो रहा मार्केट सिटी फ्लावर, यहाँ से उतना दूर पैदल ही चला जाता हूँ,
फायदा नहीं है, इधर से निकाल के ले जाओ उधर, पार्किंग ना मिले तो फिर घुमाते रहो, इससे अच्छा थोड़ा पैदल चल लो। तो दोस्तों मार्केट में आ गया हूँ मैं और पता कर रहा हूँ मैं मोबाइलों के दुकान में कौन सा सिम लेना सही रहेगा। ये 1 किलो रोहू मछली लिया है मैंने रात को बनाने के लिए, देखो ऐसे बर्फ में रहता है इधर, वैसे कटता है। तो दोस्तों 11:30 हो गया, अभी सिम नहीं लिया मैं, जा रहा हूँ सुल्तान के रूम पे, वो बोल रहा है कि मैं 85 रियाल वाला कर दूंगा, तो आ मेरे पास, जा रहा हूँ वहीं पे, वहाँ पे चल के मिलता आप लोगों से। हाँ तो दोस्तों इधर आ गया मैं, ये स्टारबक है देख रहे हो, स्टारबक के पास आके खड़ा हूँ मैं, अब देखो वो आता है तो अपने सब काम करवाता हूँ। तो देखो ये रहा अपना सदीक, अभी भी सिम का काम हुआ नहीं, सुल्तान का ड्यूटी आ गया था तो चला गया, और मैं इधर होटल ढूंढ रहा हूँ खाना खाने के लिए, तो इधर कोई होटल है ही नहीं अपने हिसाब से, सब इधर बर्गर पिज्जा कॉफ़ी वाले ही हैं। हाँ तो दोस्तों ये एक होटल में आया हूँ मैं, वही अपना 12 रियाल का मिलता है रूबा, ऑर्डर किया हूँ मैं वही रूबा अपना लेग पीस। तो देखो दोस्तों ये है अपना खाना, ये 12 रियाल का, बाकी 2.5 रियाल का वो, 14-14.5 रियाल का अपना खाना हो गया। तो चलो अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आप लोग भी आओ खाना खाने, बिस्मिल्लाह करो।